करते हैं हम एंड पार्टिकल से इंस्टांसर। जैसे आपको पत्ते उड़ाने या कोई अपनी शेप उड़ानी है किसी भी तरह की, इसे बोलते हैं इंस्टांसर। दूसरा हम करेंगे गोल। गोल मीन्स जैसे आपको पार्टिकल किसी के फेस पे चिपकाने और वो फेस बोल रहा है, जैसे स्पाइडरमैन 2 में या 3 में था ना, वो रेत का कैरेक्टर बोल रहा होता है, रेत का कैरेक्टर बन जाता है। आज हम वो करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं इंस्टांसर। कुछ भी ले लो, बॉल से ले लो, और क्रिएट इमिटर। अब ये जो इमिटर निकल रहा है ये ओमनी है। ओमनी मतलब एक पॉइंट से निकल रहा है, मैं चाहता हूं किसी बड़े ऑब्जेक्ट से निकले। तो इमिटर के अंदर ना सेटिंग है, यहां क्या है अभी ओमनी, ये सब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक डायरेक्शनल। डायरेक्शनल मतलब एक डायरेक्शन से निकलेंगे, और जो डायरेक्शन है अभी वो है एक्स एक्सिस का। तो इसके डायरेक्शनल स्पीड को हम बढ़ा देते हैं। देखो एक्स में जा रहा है और ग्रेविटी के कारण नीचे गिर रहा है। स्प्रेड मतलब फैलाना। समझ आया? वॉल्यूम मतलब एक पर्टिकुलर वॉल्यूम से निकलेगा, इसका वॉल्यूम आप बड़ा घटा सकते हो। एक वॉल्यूम में से निकलेगा। क्यूब को आप स्फीयर बना सकते हो। कौन बना सकते हो? टोरस बना सकते हो। फिर टोरस में से निकलेगा। बस शेप का फर्क पड़ेगा और शेप में ही निकलेगा। हाँ रेंडर में दिखाई देंगी, पार्टिकल्स है ना, रेंडर में दिखेगा। अब मान लो आपको बॉल्स की जगह कुछ और उड़ाना है, मतलब कोई भी पर्टिकुलर शेप बना लो, कैरेक्टर बना लो, कुछ भी बना लो। मान लो मैंने कोई ऑब्जेक्ट बना दिया सिंपल सा, हिस्ट्री क्लीन कर दो। अब मुझे पार्टिकल्स की जगह इन्हें निकालना है, तो यहां पे आ रहा है इंस्टांसर। अब पार्टिकल को सेलेक्ट करो, इन दोनों को सेलेक्ट करो और कर दो इंस्टांसर। साइज छोटा कर सकते हो। अब देखो कि पार्टिकल्स के उस ऑब्जेक्ट तो आ गए और उसकी जगह ये ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, तो आप क्या करो, एन पार्टिकल को सेलेक्ट कर सकते हो आउटलाइनर में जाके। और हाइड कर दो एन पार्टिकल्स। समझ आया? पार्टिकल्स तो इसी में, ये डिलीट करोगे निकलेगा इसी में से ना, ये रेंडर में नहीं आएगा। इसे हाइड कर, नहीं ये डिलीट करोगे तो सब डिलीट हो जाएगा, आप हाइड कर देना। अब
पार्टिकल का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। समझ आए इंस्टेंस कैसे होते हैं? अब मैं एक पार्टिकल का यहां से इमिटर लगा रहा हूं, कुछ भी अभी वो बताऊंगा धीरे धीरे करके। क्रिएट इमिटर, अब मैं चाहता हूं ये किसी बॉल को अट्रैक्ट हो, मतलब मैं किसी बॉल की तरफ ये जाए, इस बॉल को एनिमेट कर देते हैं। मैं चाहता हूं जहां ये बॉल जाए पार्टिकल उसी की तरफ जाए, तो इसको और इसको सेलेक्ट करो। यहां पे आता है गोल, गोल मतलब अट्रैक्शन। समझ आया? एक बॉल ले लेते हैं, इमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट भी है अगर आपको इमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट करना है। देखो इस स्फीयर में से निकल गए और इसी स्फीयर के साथ आप इसको गोल भी करा सकते हो। हाँ क्या कर रहे? वही बताऊंगा ना, गोल करना पड़ेगा। साइज छोटा कर दो पार्टिकल्स का। इन पार्टिकल्स को इस स्फीयर के साथ गोल करवा दो। स्पीड हटा दो इनकी, स्पीड आ रही है इसके अंदर, निकलते जा रहे हैं। और बार बार पार्टिकल जनरेट हो रहे हैं, मैं चाहता हूं एक ही बार में जनरेटेड हो जाए। तो यहां पे ना रेट आ रहा है, मान लो मैंने फर्स्ट फ्रेम पे कर दिया 1000 और इसको कर दो सेट की, मतलब एनिमेशन। फिर मैं चाहता हूं ये एक दो फ्रेम पे, एक ही फ्रेम पे निकले, अगले फ्रेम पे ना निकले, तो इसे जीरो कर देना। अब देखो ये एक ही फ्रेम पे निकलेंगे, मान लो ये कैरेक्टर है और इसको एक एनिमेशन बना लेते हैं, इसका कोई फेस ले लेते हैं। यहां से कर दो इमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, साइज छोटा कर दो। ठीक है, और इसी फेस के साथ में इसको गोल भी करवा दो। गोल किस लिए होता है? फेस के साथ जाए।
देखो जहां फेज जा रहा है वहां पे पार्टिकल भी जा रहे हैं, फेज का फिलहाल मैं एनिमेशन हटा रहा हूं। स्पीड हटा दो इसकी, अब इसके पार्टिकल्स को इमीटर में हमें इसको एनिमेट कराना है रेट को। पहले फ्रेम पे ही निकले 1000, दूसरे पे भी निकले 1000, तीसरे पे हो जाए 0। एक काम करो, अभी यहाँ तक करो, नेक्स्ट सेशन में हम आगे करते हैं।